नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी की आज 38वीं सालगिरह है। दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी की थी। ऋषि कपूर जहां 65 साल के हैं, वहीं नीतू 59 साल की है। बता दें कि इतनी उम्र में भी नीतू खुद को फिट रखती हैं। उनका फिटनेस मंत्र है एक्टिव रहना और जिम के पीछे न भागना। बता दें कि नीतू ने 1966 में बॉलीवुड में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। कुछ फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने फिल्म रिक्शावाला से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। उनका बेटा रणबीर कपूर फिल्मों में एक्टिव है और बेटी रिद्धिमा फैशन डिजाइनर है। रोज चलती हैं 10,000 कदम। खुद को फिट रखने के लिए नीतू प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करती हैं। वे रोज 10,000 कदम चलती हैं। कुछ साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद की फिटनेस पर बात की थी। उन्होंने बताया था, जब यंग थी तो ज्यादा फिट महसूस करती थी। मैं जब फिल्में करती थी तो मेरा वजन 68 किलो था। जीनत अम्मान और परवीन बाबी बॉलीवुड में स्लिम बॉडी का कल्चर लेकर आई थी। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि दो प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन लगभग 25 किलो बढ़ गया था। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है, इसके बाद वजन कम करना चाहिए और इसके लिए आपको ट्रेनर की मदद लेनी चाहिए। हमेशा एक्टिव रहती हैं नीतू सिंह। फिट और हेल्दी रहने के लिए हमेशा एक्टिव रहती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जिम जाने की आदत नहीं डाली। उनका कहना है कि मैं लगभग पूरे सप्ताह वर्कआउट करती हूं। नीतू का वर्कआउट पायलट्स मैट, योगा, टॉयलेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज TRX के आसपास घूमता है। वे अपने ट्रेनर की मदद से वर्कआउट करती हैं। हर 2 घंटे में खाना खाती हैं। नीतू सिंह का मानना है कि एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना ब्रश करना या नहाना। उन्होंने बताया कि मेरी माँ को 50 साल की उम्र में ही स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो गई थीं। उन्हें हाई BP, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं थीं, जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं। अगर मैं भी अपनी माँ की तरह खानपान अपना लूं तो मैं भी उनकी तरह इतनी बीमारियों से ग्रसित हो जाऊंगी। उनका मानना है कि खाना सही तरीके से खाना बेहद जरूरी है। वे रात में डार्क चॉकलेट खाती हैं, जिसमें चीनी कम हो, और हर 2 घंटे में खाना खाती हैं। सूरज से देव्यू किया नीतू ने 1966 में आई फिल्म सूरज से देव्यू किया था। इस फिल्म में काम करने का ऑफर फिल्म की एक्ट्रेस वैजयंतीमाला ने दिलवाया था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म 10 लाख, वारिस, पवित्र पापी, 2 कलियां, घर घर की कहानी में बतौर बाल कलाकार काम किया। रिक्शावाला में मिला लीड रोल। 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला से नीतू ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने जहरीला इंसान 1974, खेल खेल में 1975, रफूचक कर 1975, दीवार 1975, कभी कभी 1976, परवरिश 1977, धर्मवीर 1977, कस्मे वादे 1978 सहित कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने हस्बैंड ऋषि कपूर के साथ तकरीबन 12 फिल्में की थीं। दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी की। शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। शादी के 26 साल बाद उन्होंने फिल्म लव आजकल 2009 से कमबैक किया था। उनके 2 बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी हैं।